दोस्तों, क्या ईरान और इसराइल के बीच युद्ध बस होने ही वाला है? क्या इसराइल ईरान पर अगले 2-3 दिनों में ताबड़तोड़ हमले करने वाला है? ये कुछ सवाल जहन में तब उठने लगे जब भारत सरकार समेत दुनिया भर के देशों ने इसराइल न जाने की अपील अपने नागरिकों से कर दी, जिससे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या दुनिया एक बार और वर्ल्ड वॉर के साए की तरफ बढ़ रही है? क्योंकि इस बार घायल शेर की तरह ईरान ने भी इसराइल को मुंहतोड़ जवाब देने का मन बना लिया है। वहीं इसराइल का साफ कहना है कि हम कभी पहले हमला नहीं करते, मगर हमें जो छेड़ता है हम उसे छोड़ते भी नहीं। वही बात गंभीर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि मोदी सरकार ने स्पष्ट शब्दों में किसी को भी इसराइल या ईरान जाने की अनुमति नहीं दी है और न ही भविष्य में देगा, जब तक कि स्थिति पूरी तरह से सामान्य न हो जाए। साथ ही साथ विदेश मंत्रालय ने भी ये साफ कर दिया है कि जितने लोग इस वक्त इसराइल या ईरान में हैं, वो फौरन दूतावास से कांटेक्ट करें ताकि उनकी हर संभव मदद की जा सके। वहीं अपने घरों में खाने पीने का स्टॉक जमा कर लें, जितना हो सके कम ही बाहर निकले। आपको बताते चले कि अमेरिका ने भी इन दोनों देशों की यात्रा पर बैन लगा दिया है। वहीं अगर इस बार युद्ध हुआ तो इसका प्रभाव दुनिया भर में साफ देखने को मिलेगा। वहीं इसराइल और ईरान में ज्यादा ताकतवर साफ तौर पर इसराइली है। हाँ, मैन पावर ईरान के पास ज्यादा है। ऐसे में एक और नया दुश्मन उसके लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। दोस्तों, ऑलरेडी इसराइल हमास से युद्ध कर रहा है और एक नया युद्ध उसके लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। मगर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया भर की सबसे अत्याधुनिक हथियार इसराइल के ही पास है। बस इसी में तो इसराइल को महारत हासिल है, जिसके चलते वो हर साल अपना रक्षा बजट बढ़ाता चला जाता है। वैसे आपको क्या लगता है कि अगर युद्ध होता है तो इसमें किसकी जीत होगी, ईरान हमास की या फिर इसराइल की? और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की प्लेलिस्ट है तो उनको भी जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर दें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।